बच्चों, अब हम सुनने जा रहे हैं कौवा और चिड़िया की कहानी। एक था कौवा। कौवा कैसे करता है? कौ 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 कौ। और एक थी चिड़िया। चिड़िया कैसे चहकती है? चू 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 चू। चिड़िया का घर था मोम का और कौवे का घर था गोबर का। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई। कैसे हुई? बहुत बारिश हो गई। उसमें कौवे का गोबर का घर तो पूरा बह गया। वह चिड़िया के घर पर आया और दरवाजा खटखटाकर बोला, चिड़िया दीदी, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं रे मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मैं मेरे बच्चे को नहला रही हूँ, मैं मेरे बच्चे को नहला रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। फिर कौवा उड़ गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया सुई और बोला, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं रे मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ, मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। फिर कौवा उड़ गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया सुई और बोला, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मेरा बच्चा अब सो रहा है, मेरा बच्चा अब सो रहा है, तुम थोड़ी देर बाद आना। पर इस बार कौवे ने चिड़िया की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे चिड़िया के घर से खिचड़ी पकने की सुगंध आ रही थी। चिड़िया ने दरवाजा खोला और कौवा अंदर आया और सीधा आकर खिचड़ी जिस बर्तन में रखी थी वहीं पर आकर बैठ गया और जैसे ही थोड़ा झुककर वह बर्तन से खिचड़ी खाने लगा तो पीछे उसके पूंछ ने आग ही पकड़ ली। उसे जलन होने लगी और वो कौवा वहां से भाग उड़ गया और जाते जाते बोला, चिड़िया दीदी की खिचड़ी खाई, पूंछ को लग गई आग। चिड़िया दीदी की खिचड़ी खाई, पूंछ को लग गई आग। किसी को भी तकलीफ दे दी तो फिर हो गई भागम भाग।